प्रीत रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं मसूर दाल और अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल है और बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मसूर का दाल लिया है 20 से 25 मिनट के लिए। इसको अच्छी तरह से धोकर और इसे पानी में डालकर थोड़ी देर फुला लिए हैं। और इसमें 2 मीडियम आकार का प्याज यूज़ किए हैं, छोटे टुकड़ों में काटे हुए। चाहे तो हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। और 2 मीडियम आकार का इसमें हम टमाटर यूज़ किए हैं कटे हुए। सरसों का तेल है, इसके जगह कोई भी टेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और नमक स्वाद के अनुसार यूज़ करेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है, आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, और हल्दी पाउडर भी आधा चम्मच है। 1 चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर का यूज़ किए हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, डालने से थोड़ा खट्टा आता है टेस्ट। और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर है। 2 चुटकी हींग का यूज़ किए हैं, 1 साबुत लाल मिर्च है, और आधा चम्मच इसमें मेथी दाना है, और 1.5 चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट है, और 250 ग्राम इसमें अरबी है, और धनिया पत्ता फ्रेश यूज़ किए हैं, और 2 हरी मिर्च को इस तरह से काट लिए हैं। और एक अरबी मैं रख ली थी ताकि इसके छिलके कैसे निकाल लेंगे इसको मैं दिखा देती हूँ। पीलर से छिलके निकाल लेंगे इस तरह से, या हम चाकू से भी इसके छिलके अच्छी तरह से निकाल लेंगे। मसूर दाल के साथ अरबी की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे हम किसी भी दाल के साथ इसको बना सकते हैं। और इस तरह से जहाँ जहाँ इसका गांठ हो वहाँ से इसके छिलके अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से जहाँ जहाँ गांठ है इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इसे अपनी पसंद के अनुसार कटिंग करेंगे। इस तरह से हम सारे अरबी को काट लेंगे। अरबी कट चुके हैं, अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे फ्राई करेंगे। हम कढ़ाई गरम करेंगे और तेल डालेंगे। तेल हमें गरम करना है और उतना ही डालना है जितना हमें अरबी फ्राई हो जाए। और हल्दी नमक थोड़ा डाल देते हैं। इस तरह से थोड़ा ब्राउन होने पर इसको हम, हल्का सा ब्राउन होगा तब हम इसे निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। सारे अरबी फ्राई हो चुके हैं। इसे हम चाहे तो कढ़ाई में बनाएंगे या कुकर में। मैं इसे कुकर में बनाऊंगी। तभी कुकर को हम गरम कर लेते हैं गैस पर, और उसमें तेल डाल देते हैं। 3 बड़ा चम्मच तेल डाल दिए और मेथी दाना डाल दिए हैं। मेथी दाने की जगह हम कोई भी सिंगल फ़ोरन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि काला सरसों या पंच फ़ोरन। हम अपने पसंद, जो फ़ौरन हमें पसंद है वो हम डालेंगे। मेथी दाना जब थोड़ा ब्राउन हो जाए तब इसमें हम मिर्ची तोड़ कर डाल देंगे और थोड़ा हींग डालेंगे। मेथी दाना जब फूट जाए तभी हम इसमें प्याज व्याज डालेंगे। कच्चा नहीं रहना चाहिए मेथी दाना, नहीं तो कड़वा आएगा स्वाद। अब इसको हम प्याज को भी ब्राउन कर लेते हैं। लाइट ब्राउन करना है इसे। मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे 2 मिनट के लिए, और लगातार चलाते हुए भूनेंगे इसको। जब प्याज ब्राउन होने लगे तब तक हम भूनेंगे। इस तरह से इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं, और लहसुन को भी हम इसमें भून लेंगे। इसका रॉ स्मेल चला जाए तब तक हम भूनेंगे। कच्चापन इसका निकल जाए जब तक हम भूनेंगे। वो अपने आप स्मेल से पता चल जाता है कि लहसुन भून गया है। मीडियम फ्लेम पर ही रखना है गैस का फ्लेम को। अब हम इसमें मसूर दाल को डाल देते हैं। थोड़ा मसूर दाल को फ्राई करना है, 2 मिनट तक इसमें भूनना है। और अरबी हम फ्राई करके रख लिए हैं, इसमें मसूर दाल भून लेंगे। और इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और आमचूर पाउडर डाल देंगे। आमचूर डालने से थोड़ा इसमें थोड़ा खट्टा स्वाद आता है, तो अच्छा लगता है। टमाटर भी डाल देंगे
और मसूर दाल और सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर इसमें हम 2 मिनट 3 मिनट के बाद इसमें हम अरबी डाल देते हैं और इसमें नमक भी स्वाद के अनुसार ऐड कर देते हैं। ये बहुत जल्दी पक जाएगा, बहुत जल्दी बन जाता है ये सब्ज़ी, मसूर दाल बहुत जल्दी गल जाता है। इस तरह से इसको भी हम लगातार चलाते रहेंगे और इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं फ्रेश, ताकि इसकी खुशबू इसमें चला जाए। इसमें पानी ऐड कर देते हैं, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देंगे। और हरी मिर्च जो कटे हुए 2 ठो तो वो डाल दे रहे हैं और ढक्कन बंद कर दे रहे हैं। 1 सीटी आने तक मीडियम आँच पर रखेंगे। जब 1 सीटी आ जाए तो हम गैस बंद कर देंगे। 1 सीटी आ चुका है, अब मैं गैस बंद करके इसे सर्व करती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और पूरा मसूर दाल और अरबी बहुत अच्छा पक गया है। बहुत ज़्यादा सीटी लगा देने से ये बहुत गल जाता, लेकिन अरबी बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है सब्ज़ी। इस पे धनिया छिड़क कर सर्व करते हैं रोटी, या इसको चावल के साथ हम सर्व कर सकते हैं। तो आज का ये मसूर दाल और अरबी की सब्ज़ी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।